और बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कोलकाता में टीएमसी कार्यालय पर यशवंत सिन्हा ने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की। ऐसा ही एक वाक्य यशवंत सिन्हा ने कंधार कांड पर सुनाया। 1999 के कंधार कांड पर यशवंत सिन्हा का बड़ा दावा है ये। उन्होंने कहा कि यात्रियों की रिहाई के लिए बंधक बनने को तैयार थी ममता बनर्जी। कैबिनेट की मीटिंग में ममता ने प्रस्ताव दिया था। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ममता ने कहा था कि देश के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देंगी। ममता ने कहा था आतंकी यात्रियों को छोड़ दें, मैं बंधक बनने को तैयार। तो यशवंत सिन्हा आज ही टीएमसी में शामिल हुए हैं और आज उन्होंने ये बड़ा दावा करते हुए कहा, कंधार कांड पर उन्होंने कहा कि उस वक्त ममता बनर्जी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा था कि यात्रियों के बदले वो बंधक बनने को तैयार हैं। 1999 के कंधार कांड पर यशवंत सिन्हा का ये बड़ा बयान, उनका ये बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की रिहाई के लिए ममता बनर्जी खुद बंधक बनने को तैयार थी। कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने इस बात का प्रस्ताव दिया था। बैठक में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो भी कुर्बानी हो सकती है वो देने के लिए तैयार है और अगर उन्हें आतंकियों के सामने जाना पड़े तो वो बंधक बनने के लिए भी तैयार है यात्रियों को छोड़ने की एवज में। तो 1999 में हुए कंधार कांड पर यशवंत सिन्हा का ये बड़ा दावा, और ये बड़ा दावा उन्होंने किया है आज ही शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस में। और आज ही उन्होंने ममता बनर्जी की कई तारीफें की है, उन्होंने कई बातों को लेकर, और उसमें सबसे बड़ी बात जो कही वो कंधार कांड को लेकर कही है। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। तो सुना आपने, यशवंत सिन्हा आज ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कई बातें हालांकि उन्होंने इस दौरान की, लेकिन ये बड़ा दावा कंधार कांड को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से ममता बनर्जी ये बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। खुद उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा था। सीधे रुख करेंगे, रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, बड़ा दावा है यशवंत सिन्हा की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक ममता बनर्जी को फाइटर बताना और साथ साथ ये बताना कि वो किस तरह देश के बारे में सोचती हैं,
ये एग्जाम्पल देते हुए ये कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं यशवंत सिन्हा, लेकिन यशवंत सिन्हा के बारे में देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस कदर आगे जा चुके हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि उन्होंने दल बनाया, उन्होंने कोशिश की कि सारे जो दल हैं पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी उनको यूनाइट किया जाए, पीएम के सामने खड़ा किया जाए, लेकिन शायद वो उसमें कामयाब नहीं रहे। लेकिन वो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि सरकार के खिलाफ, सरकार के आर्थिक नीतियों की बात कहें, सरकार के खिलाफ जो भी एक मोर्चा बनता है उसका एक अंग हो। तो यही हाल है कि अभी भी देखिए आप बंगाल में स्थिति है कि सब लोग, चाहे तो आप शिवसेना देख लीजिए, चाहे कांग्रेस तो है ही अलग गठबंधन में, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा देख लीजिए, लालू की पार्टी के लोग देख लीजिए, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ एक साथ खड़े होकर ये दिखाया जाए कि पूरा विपक्ष जो है ममता बनर्जी के साथ खड़ा है और बीजेपी को हराने के लिए खड़ा है। तो एक मैसेजिंग है और उस मैसेजिंग के तहत ही समझिए यशवंत सिन्हा उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, वैसे ही वैसे यशवंत सिन्हा का कोई ज्यादा फर्क बंगाल के चुनाव में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उन्होंने जो कहानी बताई है, जो बातें कही है, वाकई इसका फर्क पड़ता है। कई बार के लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी कितनी फाइटर रही थी, हालांकि पुरानी बात है, लोग कई लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन ये बताने के लिए कि ममता बनर्जी एक फाइटर है और फाइटर के साथ साथ देश के लोगों के बारे में और जनता के बारे में कितना सोचती हैं, ये उदाहरण के तौर पे कि उस समय कैबिनेट में रहते उन्होंने ये ऑफर किया था। तो कहीं इसका असर होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर इसका जनता में नहीं देखा जाता है। लेकिन चूंकि मैंने बोला आपको कि यशवंत सिन्हा नरेंद्र मोदी और कहीं ना बीजेपी के खिलाफ इतने आगे बढ़ गए हैं कि जो भी मोर्चाबंदी हो रही है उनके सरकार के खिलाफ या फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ किसी स्टेट में हो, नेशनल लेवल पे हो, तो वो उस मोर्चे के साथ जुड़कर कोशिश करते हैं कि कहीं किस तरह से उनको परास्त किया जाए। हालांकि उनको अभी तक ये सफलता नहीं मिली है, अब देखिए बंगाल में वो क्या कर पाते हैं। अच्छा रवि, आप तो क्योंकि देखिए ग्राउंड पर है इस वक्त, आज ही वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने फाइटर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और फिर अपने इस वाक्य की शुरुआत की कि वो फाइटर किस तरह से रही हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मायने इसके फिलहाल निकाले जाएं या फिर क्या असर आप इसका देखेंगे? देखिए ममता बनर्जी फाइटर हैं, ये तो हम आप सब लोग कह रहे हैं, और जो उनका कैरियर रहा है, जिस तरह से 34 साल का जो लेफ्ट की सरकार रही है, सीपीएम की सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका यहाँ से और अपने फाइटर कैरेक्टर की वजह से ही किया, वैसे आम आदमी नहीं कर सकता है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ थी उस समय बीजेपी कांग्रेस तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां लगी रही, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन एक महिला ने अपने दम पे पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना के एक तरह से यहाँ से 34 साल के लेफ्ट के शासन को खत्म किया, एक बड़ी बात है, और ये फाइटर ही कर सकता है, कोई सिंपल आदमी नहीं कर सकता, और ये यहाँ की जनता जानती। लेकिन एक नया चीज उन्होंने दिया कि ममता बनर्जी पूरे देश के लिए कैसे सोचती हैं, देश की जनता के लिए क्या सोचती हैं, तो एक इमोशनल कार्ड, एक तरफ से ममता बनर्जी घायल हैं, उनको चोट लगी है, तो एक इमोशनल कार्ड भी होगा, और इसमें भी बताया जाएगा कि ममता बनर्जी देश की जनता के बारे में बहुत सोचती हैं, बहुत इमोशनल हैं वो, और देश के लिए कुर्बानी देने तक की तैयार हो गई थी। तो इसका फायदा हो सकता है जनता में, पड़े अभी ये बातें कही जाएंगी, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि इसका बंगाल के चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, लेकिन रवि, हालांकि पहले इस बात का जिक्र नहीं किया कभी, लेकिन अभी पार्टी ज्वाइन करने के फौरन बाद, यानी मौके को देखते हुए, परिस्थितियों को भांपते हुए, तब इस तरह का बयान, ये वाक्य आज शेयर किया यशवंत सिन्हा ने? बिल्कुल, देखिए जब आदमी रोकता है किसी और से, अपने घर के से, पार्टी से, तो उसके तमाम बातें होती है, उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करता है। तो मैंने कहा कि 2019 में जब वो पार्टी छोड़ के गए थे अलग, पहले पार्टी से हट गए थे, तब उन्होंने कांग्रेस एंड मोर्चा के साथ खड़े होकर कई सारे मंच साझा किए, उन्होंने राहुल गांधी के साथ, ममता बनर्जी भी उस समय दिल्ली आई थी, पूरे मंच मोर्चा के साथ मंच साझा किया और तमाम सारी बातें सरकार के खिलाफ कही, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, बीजेपी की जो रणनीति थी, आर्थिक नीतियों के खिलाफ बोला था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। अब वही हाल यहाँ है, मैंने कहा ना आपको कि वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से बीजेपी को हराया जाए, जो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से उनको जो गुस्सा है वो गुस्सा बीजेपी के लिए निकालते हैं, और गुस्से में वो किसी लेवल पर जा सकते हैं, और उसमें पास कहानी बहुत सारी है। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास तो कई सारी कहानियां होती है उस समय सरकार की, तो एक कहानी ये भी निकाला है उन्होंने, लेकिन इस कहानी से यह है कि ममता बनर्जी का महिमा मंडन वो कर रहे हैं, और पार्टी ज्वाइन करना है तो महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन महिमा मंडन के साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि वो फाइटर तो है ही, साथ साथ देश के लिए लड़ने वाली है, देश की जनता के लिए कुर्बानी तक देने को तैयार है। तो एक ये मैसेजिंग है बेसिकली। बिल्कुल, ठीक है रवि, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और अब बंगाल में देखिए, विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो व्हीलचेयर से होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिलहाल अपना चुनाव प्रचार जो है वो व्हीलचेयर पर बैठकर ही करेंगी, क्योंकि कल शाम ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, हालांकि उन्हें सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है। 10 मार्च को ममता बनर्जी चोटिल होने के बाद कोलकाता के अस्पताल में एडमिट थी, उनकी जांच की गई, उनके पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। खास बात यह है कि बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस बार सहानुभूति के जरिए वोट नहीं मिलेगा और इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। तो चार तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, बंगाल का पूरा घटनाक्रम समझिएगा इनके जरिए। 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक ममता बनर्जी मीडिया में छाई हुई,
10 मार्च को जब ममता बनर्जी को चोट लगी उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया, 2 दिन बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। कल टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और उसके अगले दिन ममता प्रचार शुरू करेंगी। तो ये पूरा घटनाक्रम है, आप इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी हालांकि ये कह रही है कि अगर सहानुभूति के जरिए वोट बटोरने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी तो इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि परिवर्तन की लहर है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा पश्चिम बंगाल। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।